खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। जहां एक तरफ बाकी पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां और यात्राएं कर रही हैं, वहीं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बादशाहपुर से उम्मीदवार डॉक्टर सतीश यादव डोर टू डोर जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उन्हें सत्ता में आने का मौका मिलता है तो वो अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। सर, जिस तरह चुनाव सरगर्मियां तेज हो गए हैं, आप यहाँ पर फरूखनगर में किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है और क्या मुख्य एजेंडे हैं आपके? देखो, फरूखनगर तो मेरा अपना शहर है और पिछले 20 साल से मैं जब से कॉलेज खोला है, काफ़ी बच्चे भी यहाँ से पढ़ के गए हैं, इस एरिया के बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं। और जो हमारे मुख्य है एजेंडे बिल्कुल क्लियर है, सबसे पहला मुद्दा है जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, दूसरा है हर घर को रोजगार, तीसरा है मनरेगा को मजदूर से जोड़ना और किसान से जोड़ना, और चौथा है हम दो हमारे दो, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है विकलांग विधवा और बुजुर्ग को 5,000 पेंशन। और दक्षिण हरियाणा का जो पानी है, जो पिछले कई सालों से SYL के नाम पे जो बहाना बनाया जा रहा है, हम बिल्कुल पंजाब के रास्ते से पानी लेंगे नहीं, हम डायरेक्ट हिमाचल के रास्ते से 100 दिन के अंदर दक्षिण हरियाणा का पानी लेकर के आएंगे। जिस तरह से आप लगातार दौरे पे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, गरीब तबके के लोग आपसे कितना कुछ उमंग यानी कुछ विश्वास जता रहे हैं? जो भी कोई भी, चाहे हमारे दलित भाई है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे हमारे बनी है, पंजाबी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, सभी, या मेरे यादव भाई है, सभी बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके से पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई, और मैं 20 साल से अपने समाज में भी लगा हुआ हूँ और इलाके के लिए भी लगा हूँ, और इनकी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, कोर्ट में भी लड़ी, हाई कोर्ट में लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, और कई सालों हो गए, पूरा एरिया देखता है और पूरा एरिया जानता भी है। मैं जितने भी यहाँ प्रोग्राम होते हैं, चाहे रामलीला का हो, चाहे खेल का हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा हर जगह इनकी सेवा में रहता हूँ। तो इलाका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है। थैंक यू सर।